जय जिनेन्द्र दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल किटीगेम विद आस्था। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज का ये गेम हमारा, अगर आपने इंडिपेंडेंस डे थीम की पार्टी रखी है तो उससे रिलेटेड है। अगर आपने पार्टी वो रखी है तो आप इस गेम को जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली लकी गेम होने वाला है। गेम के रिक्वायरमेंट में आपको 3 कप लगने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने 1 कप को व्हाइट ही रहने दिया है। एज पर हमारा जो फ्लैग तिरंगा होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कलर किया, 1 को ऑरेंज किया और 1 को ग्रीन किया है। इसके अलावा गेम में आपको जो लगने वाले हैं कॉइन्स, और आपको लगेगा 1 डाई। गेम में 1 बाय 1 मेंबर आएंगे और आज का ये गेम खेलेंगे। गेम स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यह वाला आज का गेम। आपको इस तरीके से कप को शफल कर लेना है, हर एक मेंबर के लिए कप शफल किए जाएंगे, फिर उन्हें कप कहा जाएगा कि उन्हें लाइन से लगाने हैं। कप को आप कलर करते वक्त एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हम ये अंदर के साइड के पोर्शन से रख रहे हैं, ये मेंबर को दिखना नहीं चाहिए कि कौन सा कलर किसके नीचे है, क्योंकि जो हमारा गेम का जो स्कोर का ट्विस्ट है फुल्ली उस पर डिपेंड करेगा। अब 1 बाय 1 मेंबर, जैसे मेंबर ने ये रख दिया, उसके बाद में उन्हें हर एक कप के लिए 3 बार डाइस रोल ऑन करना है और जितने नंबर आएंगे उतने कॉइन डालना है। तो मैं भी कर लेती हूँ, पहले के लिए किया तो मेरा आया है 3, तो मैं फर्स्ट कप में 3 कॉइन डाल लेती हूँ। अगेन 3, तो इसमें फिर से मैंने कॉइन डाल दिए और नेक्स्ट मेरा 3। तीनों बार मेरे 3 आए हैं और तो मैंने इसमें, अब मैं सेकंड कप के लिए खेलती हूँ, इसके लिए आया 6। इस गेम में अगर आपके बड़े नंबर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, 5-6 आते हैं तो आपको इसका इससे स्कोर बहुत बड़ा मिल सकता है। फिर डाइस रोल ऑन किया, मेरा आया है 1, फिर रोल ऑन किया आया है 2, तो मेरा सेकेंड कप भी हो चुका है। अब हम थर्ड के लिए सेम ये करेंगे, तो उसमें मेरा 1 आया है, 4 और 2, तो हम तीनों कप के लिए हमने इस तरीके से 3-3 बार डाइस रोल ऑन कर लिया। अब इसके बाद जो स्कोर का पोर्शन आने वाला है फ्रेंड्स, वो ऐसे होने वाला है कि जैसे हमारे तिरंगा में जो हमारा फ्लैग होता है झंडे में, ऑरेंज सबसे पहले रहता है, देन बीच में व्हाइट रहता है और लास्ट में ग्रीन रहता है। तो अगर आपका ऑरेंज फर्स्ट पे आता है तो आपका ये कप काउंट कर लिया जाएगा, बीच में अगर आपका व्हाइट आता है तो ये कप के भी कॉइन काउंट हो जाएंगे, और लास्ट में भी अगर आपका ग्रीन आ जाता है तो ये भी कप के जो कॉइन है काउंट हो जाएंगे। इन केस मानिए आपका यहाँ व्हाइट आ गया, यहाँ ऑरेंज आ गया, यानी ये चेंज हो गया, यहाँ व्हाइट आ गया, यहाँ ऑरेंज आ गया, और ग्रीन ग्रीन की थर्ड नंबर पे ही है, तो आपके सिर्फ ग्रीन के ही जो कॉइन है वो काउंट किए जाएंगे। और अगर आपका पूरा तिरंगा बन गया, यानी फर्स्ट ऑरेंज आ गया, बीच में व्हाइट आ गया और लास्ट में ग्रीन आ गया, तो आपके जितने कॉइन रहेंगे ये डबल हो जाएंगे, यानी हर एक कप के कॉइन तो गिने तो जाएंगे, साथ में आपको जितने कॉइन है उसके डबल डबल होके, मानिए जैसे अगर आपके सब कप में टोटल मिला के अगर आपके 20 कॉइन्स निकलते हैं तो 20 तो अलग ही रहेंगे, 20 का डबल होता है 40, तो 40 आपके स्कोर में जुड़ के ऐसे 60 आपका स्कोर बन जाएगा। तो चलिए मैं भी अपना चेक कर लेती हूँ, तो फर्स्ट चेक करती हूँ, तो देखिए मेरा लकीली फर्स्ट पे ऑरेंज आया, तो ये कप के जितने कॉइन है वो तो काउंट किए जाएंगे। सेकंड पे देखती हूँ तो इस पे व्हाइट है, वेरी गुड, और लास्ट में ग्रीन है, यानी मेरे तीनों जो फ्लैग के अकॉर्डिंग, झंडे के अकॉर्डिंग ही तीनों कप रखा है और तीनों के हैं। तो अब मैं अपने पूरे कॉइन काउंट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा इसमें जो स्कोर बना है टोटल 25 बना है। अब 25 में मुझे स्कोर मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 25 को डबल होता है 50, तो 50 भी वो 25 में ऐड होके मेरा स्कोर जो हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से गेम खेलना है। इनकेस मानिए अगर आपका यहाँ पे बीच में ग्रीन आ जाता और साइड में व्हाइट आ जाता तो सिर्फ आपके ऑरेंज के ही जो कॉइन है वो काउंट होंगे। थोड़ा सा ये पार्टी होस्ट ये मेंबर से क्लियर करे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा गेम आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।